कल भारत की बात में हमने आपको गुजरात में मचे जल प्रलय की रिपोर्ट दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कैसे कुछ घंटों की बारिश में शहर के शहर डूब रहे हैं, और आज मध्य प्रदेश से वैसी ही तस्वीर, वैसे ही हालात की खबर आई है। मध्य प्रदेश के सीहोर, मुरैना, दमोह पहले से डूबे हुए हैं और आज भी इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नदी नाले उफान पर हैं, रेलवे ट्रैक डूबने की वजह से पैसेंजर ट्रेन तक कैंसिल करनी पड़ी है। आसमान से बरसती आफत के बीच हम बार बार अपील कर रहे हैं कि बारिश में अपना ख्याल रखें, किसी तरह की लापरवाही न बरतें, लेकिन बावजूद इसके लोग जब हालात की गंभीरता नहीं समझते तो किस तरह की तस्वीरें सामने आती है वो देखिए। महज 20 सेकंड के भीतर जिंदगी पर मौत हावी दिखाई देने लगती है। एक गलत फैसला जान पर भारी पड़ता दिखने लगता है। यही करने से तो मना किया जा रहा है। पानी की रफ्तार को कम आकर जान जोखिम में ना डालने की ही तो बार बार अपील की जा रही है। अब देखिए होता क्या है। हम आपको 34 सेकंड के वीडियो का पहला फ्रेम दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिया के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर के ड्राइवर को लगता है कि वो बीच से होते हुए आसानी से निकल जाएगा, लेकिन महज 2 सेकंड के भीतर ट्रैक्टर बीच वाले हिस्से से पुलिया के बिल्कुल किनारे पर आ जाता है और बैलेंस बिगड़ता है। ट्रैक्टर पर पीछे सवार लोग कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ट्रैक्टर सवार पूरी ट्रॉली समेत पानी में गिर जाता है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आई। इस ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार थे। 3 दिन से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में भयानक बारिश हो रही है। ऐसी बारिश कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बांध टूट गया था और देश ने लाल सैलाब की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की तस्वीर देखी, जहां तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। गांव में एक महिला ने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया था और उपचार के लिए उसे अस्पताल जाना था, तो सुरक्षा बलों ने इस तरह से कंधे पर मां और बच्चे को लाद कर नदी पार करवा कर उन्हें किनारे तक पहुंचाया। आराम से सर, आराम से, बिल्कुल आराम से, बहुत बढ़िया सर, थोड़ा रह गया है। छोड़ा उसको, छोड़ो, ढीला करो, सर वो सही है। अरे सीधे को पीछे। का क्रोध कह लीजिए या फिर बादलों का विद्रोह, तस्वीरों से इतना साफ है
कि आसमान से आफत बरस रही है। तस्वीरें कर्नाटक से आई हैं, जहां लगातार बारिश के बाद भयानक लैंडस्लाइड हुआ था। सेना अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हालात सिर्फ 15 मिनट की बारिश के बाद बने हैं। गौर कीजिएगा, ये कोई पतली गली नहीं है, ठीक ठाक चौड़ी सड़क है, लेकिन मूसलाधार बारिश को ये झेल नहीं पाए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के शामली से आई है, जहां शहर का एक हिस्सा टापू बना दिखाई दे रहा है और आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शामली के कई मोहल्लों में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था। इस पानी में भूक भूक कर एक एक कदम रखते हुए लोग किसी तरह आना जाना कर रहे थे। अब इस तस्वीर को देखिए, लगता है कि घाट के सामने खड़े हैं। कौन कहेगा कि किसी मोहल्ले के भीतर का दृश्य है। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। बारिश में सड़क पर कहां गड्ढा है कोई नहीं जानता, इसलिए पानी के बीच इस तरह जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। जिन लोगों का इस इलाके में जन्म हुआ, वो भी कहते हैं कि पूरी जिंदगी में कभी भी शामली में इतना पानी नहीं देखा था। शामली हमने तो देखा नहीं कभी इतना पानी। अच्छा। हो गया हमने, यहाँ का नाले की सफाई नहीं है या क्या कारण है हम नहीं कह सकते। अच्छा। इतना पानी हमने नहीं देखा कभी। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जहां मंगलवार यानी आज 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहा। अगले 2 दिन एमपी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हालात ये हैं कि कुछ घंटों की बारिश में पूरा इलाका डूबा हुआ नजर आ रहा है। स्कूल और घरों के भीतर पानी घुस रहा है, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ के पानी से आम जिंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जगह जगह तैनात की जा रही है। बाढ़ क्या होती है और बाढ़ क्या करती है, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर, जहां पानी के अटैक के सामने घर भरभरा कर ढह रहा है और घर में रहने वाला इंसान बेबस होकर इस मंजर को देख रहा है। घर भी पूरा भेसक गया, बाढ़ में पूरा घर भेसक गया है बाढ़ में। घर के अंदर पहले ही पानी का कब्जा हो चुका था और फिर कुछ देर बाद घर की छत ने भी साथ छोड़ दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद ऐसी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुनिए बारिश ने क्या क्या बर्बाद किया। सतलज नदी यहाँ से पूरे घर में पानी घुस गया, जिससे 50 बोरी सीमेंट डूब गई और गेहूं 20 क्विंटल गेहूं और पैसे, 2 मोटरसाइकिलें और अन्य सामग्री घर में जो रही सभी डूब में है। अस्पताल के बाहर पानी, अस्पताल के अंदर पानी। सिर्फ 45 मिनट की बारिश ने एमपी के मुरैना की शक्ल बिगाड़ दी। यहाँ सड़कें, घर, दुकानें, अस्पताल, सब कुछ पानी से लबालब हो गया। इस वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल देखिए, जिनके बेड आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। मरीजों के रिश्तेदार इसी गंदे पानी में खड़े होने को मजबूर हैं। बरसात का पानी हॉस्पिटल में 2 से 3-4 फुट तक भरा हुआ है। डिलीवरी आप देख सकते हैं बैक साइड में पीछे कितना पानी भरा हुआ है। डिलीवरी जच्चा बच्चा दोनों को परेशानी है।
बड़ा दुर्भाग्य की बात। स्वास्थ्य केंद्र से बाहर निकलकर भी वैसी ही तस्वीर नजर आई, लोगों की दुकानों में कई फीट तक पानी भर गया। इतना ही नहीं, जोरदार बारिश के बाद लोगों के घरों का सामान तक पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। पालिका क्षेत्र में कंडा रोड है, अस्पताल परिसर है, गांधीनगर है, वहाँ पानी का कोई निकासी नहीं है और नगर पालिका के पूरे कार्यवाही में नाले की सफाई आज कार्य चल रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 2 दर्जन से ज्यादा गांवों को खाली करवा लिया है। रास्तों का नामो निशान तक नहीं बचा है, हर तरफ बस पानी की मनमानी दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों तक पहुंचा जा रहा है। ये मंदिर के पुजारी हैं जो बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश इतनी तेज है कि सड़क के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी पानी में गोते लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी से आई है। इस रास्ते से गुजरने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे के बैरियर ही इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये रेलवे क्रॉसिंग है, क्योंकि बाकी सब कुछ सैलाब में समा चुका था। आपकी स्क्रीन पर अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर से आई है। पूरी गली में करीब करीब कमर तक पानी आ चुका है। तमाम घरों के आगे नदी बह रही है और जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पर है उनके तो घरों के भीतर तक पानी घुसा हुआ है। यह मध्य प्रदेश का वो दमोह है जो चंद रोज पहले तक बारिश के लिए भगवान का मुंह ताक रहा था और अब ऐसी बारिश हुई है कि लोगों की सांस अटकी हुई है। ये देखिए किस कदर तेज बहाव के साथ आता बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके को निगलने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ 3 घंटे की बारिश के बाद दमोह की सड़कों पर नदी बहने लगी थी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई दिख रही थी। अब घर के भीतर की तस्वीर देखिए, सारा फर्नीचर पानी में डूबा हुआ है। बेड, सोफा सेट, कूलर, मेज, सब कुछ इस बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। माता को खाली करके ऊपर आ जाइए, सब टेस्ट पे घाट खाली कर दीजिए। भारी बारिश के बाद ताप्ती नदी के प्रचंड वेग में आते ही घाटों को फौरन खाली करने की चेतावनी जारी की जाने लगी। एमपी के बुरहानपुर में बैतूल जिले में 11 डैम खोलने के बाद ताप्ती नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। लोगों को बोला जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग मानते नहीं हैं और सख्ती से उनको आदेश देकर बाहर निकाला जा रहा है, हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के बाद चलिए गुजरात के द्वारका, जहाँ हालात बेहद खराब है। तस्वीरें उस वक्त की है जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बाढ़ में डूबे द्वारका के हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। आसमान से तो आपने डूबे हुए द्वारका की तस्वीर देख ली, लेकिन जमीन पर हालात कितने खराब हैं वो देखिए। द्वारका की पनेली नदी में 3 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। उपंती नदी के बीच एक टीले पर 3 जिंदगी मौजूद थी, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। द्वारका जैसे हालात गुजरात के राजकोट में भी दिखाई दिए, जहां एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं।
सबसे खराब स्थिति में राजकोट का उपलेटा तहसील नजर आया, जहां पे गांव के गांव डूब चुके थे।